चलें जी, हम आ चुके हैं फिर से लाइव और हमारा 90% जो है वो गल चुका है। अब हमने इसे कढ़ाई में मूव कर दिया। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप के करीब फ्राइड अनियन। अगर आप लोगों ने फ्राइड अनियन की रेसिपी मेरी नहीं देखी तो मेरे पेज पर जाएँ, टेस्ट्रा भी फूड, वहाँ पर आप फ्राइड अनियन की रेसिपी जाकर देख सकते हैं। और अगर आप अनियन फ्राई करके रख लेंगे तो बड़ा ईजी हो जाएगा खाना पकाना। जिन लोगों के पास फ्राइड कम होता है तो बड़े आराम से खाना फटाफट से पका सकते हैं। कढ़ाई को हमेशा मजबूती से पकड़ लेंगे कि हमारा कपड़ा इसमें से तोड़ना जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे वन टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 3 टमाटर लेके ही मैंने उसका पेस्ट बना लिया था। आप छोटे छोटे इसे काट के इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पेस्ट बना लिया था ताकि ज्यादा इजी रहे। इसमें फिर से चम्मच डालेंगे। इसे कट कर देना और नहीं स्लो है, देखिए कितना खूबसूरत इसका मसाला लग रहा है। जी काफी लोगों ने हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, गुड कुकिंग, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह खैर। और मियाँ जी जो है ना वो रेस्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं जो खाने का वेट कर रहा हूँ, I'm creep, बना पकेगा। इधर मैं आपको लेके आ रही हूँ जी। तो मुझे लगी है भूख और ये गोश्त जो है ना एक शक्ल जो है ना अच्छी लग रही है। आपको दूर से नहीं आएगा लेकिन I can tell it's looking really good। और जो है इससे साथ साथ मेरी appetite जो है बढ़ती जा रही है। तो I am really hungry। तो क्या कितनी देर है, 5 मिनट और 10 मिनट और, क्योंकि मैं आस्ता आस्ता उस सिचुएशन में जा रहा हूँ कि जहाँ बंदा सोचता है कि नींद ज्यादा आ रही है या भूख ज्यादा आ रही है, तो वो सिचुएशन में बड़ा मुश्किल फैसला आता है कि सोना चाहिए या खाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ऐसी सूरत हाल में सोना ही चाहिए, क्योंकि अगर नींद आ रही है तो आप सोएंगे तो आपकी, लेकिन बंदा सोता नहीं है तो कहता खा के सोएगा। मैं अगर वो फोन आप हाथ में पकड़ लें तो मैं दिखाऊंगी कितना खूबसूरत लग रहा है। नहीं नहीं वहीं पे ठीक है, फोन वो बिल्कुल मैं अपने फैंस को दिखाना चाहती हूँ। थोड़ी सी काली मिर्च डालिए, दही ऐड करूंगी और फिर उसके साथ में पहले फोन इतना पास है, आपको स्मेल आ रही होगी। अच्छा जी, तो ये अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको देख के एंजॉय करें और बनाने की कोशिश करें। और पाकिस्तान की लोड शेडिंग और लाइट गई और इस किचन के अंदर मेरी सारी रेसिपी आज क्या हो रहे हैं। ये देखिए जी, लाइव जो है ना, लाइव लाइट गई है, ऐसी बात नहीं है लाइव लाइट नहीं गई, ये लाइव लाइट गई है। और दिस इज कॉल्ड पाकिस्तान, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है। अभी थोड़ी सी लाइट जल रही है, एसी बंद है और गर्मी लगेगी बड़ी अभी। ओहो, अब मैं क्या करूँ इसकी, तो हमारे यहाँ वीडियो भी नहीं बन सके, ये मेरी वीडियो को नजर लग गई, लेकिन मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी हम लाइट बंद में ही जो अपना खाना जलाओ डाले, जो बात नहीं जो हमने रिकॉर्डिंग करनी थी उसे दफा करें। बस आप लोग हैं और ये काफी।
लाइट कौन सी? अभी जो यूपीएस चैनल को लाइट है उसे गुजारा करेंगे, और जो है ना ये अभी क्योंकि नया किचन है इसमें सेटअप पूरा नहीं है, सेटअप पूरा नहीं है, लाइटिंग सिस्टम पूरा नहीं है कि बैकअप लाइट क्या कर रही है इसको क्या दैट इज द प्रॉब्लम। इतना रेड लग रहा है जैसे कि टमाटर होता है, लेकिन क्योंकि मैंने टमाटर में डाले ना लेकिन खूबसूरत कलर है, अब लेकिन ये ऐसे जैसे कि लाइट सही हो गई है, कढ़ाई के नीचे फ्लेम नजर आ रहा है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और मुझे लगता है कि यूपीएस में हमारा जो ना इधर साथ चल रहा है, तो साथ कमरे में बस मिस्टेक ये होगी कि जब किचन को सेट किया और इसे यूपीएस पे नहीं करवाया, तो आज अभी ही मुझे ख्याल आया कि हम जब कुकिंग कर रहे होंगे तो हमारी लाइट क्या होगा, ये होगा वो एग्जैक्ट वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। लेकिन ये कि आप लोगों ने जाते जाते जो ना वो जाते जाते क्या भी, बल्कि आप हमारे साथ ही हैं, कढ़ाई की शक्ल मैंने आप लोगों को दिखा दी कि कितनी खूबसूरत लग रही है, क्योंकि जब चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं तो उन्हें देखने का भी मजा आता है। तो जो कोई पाकिस्तान से बाहर है वो देखिए फर्स्ट टाइम, जो टेस्ट है कढ़ाई और हांडी से बहुत डिफरेंट होगा, इसलिए आप लोगों ने इसे जरूर ट्राई करना है। और मुझे ना आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके भी बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी। अब हमारी लाइट कहाँ रह गई है कि मैं कह रहा हूँ बच्चों की तरह तो हमने शोर मचा दिया, शोर मचाना पड़ता है जब लाइट जाती है, पता कहते हैं क्या हो रहा है, ओहो हो नेचुरल निकलता है उसमें कुछ क्या आता है। और मैं आज ही मैसेज कर रहा काफी शोर मचा क्योंकि इन्हें ज्यादा गर्मी लगी है, मुझे ज्यादा गर्मी लगती है और ये कहते हैं कि तुम शोर मचाती हो, लेकिन अब आप लोग बताएंगे कि कौन शोर मचा। और मैं देख रहा हूँ कि जो है लाइव हमारे व्यूअर्स का वो भी कम हो गई है, उनकी किसी लाइट गई है यूपीएस वहां, उनका भी नेट जो बंद हो गया था, हो सकता है कुछ पर जो मतलब कोई लैपटॉप वगैरह कुछ भी हो सकता है। मैं अपनी पढ़ाई को देख देख के मेरे दिल से एक आह निकल रही है कि ओ ये क्या हो गया, ये बोटी को क्या हो गया, बोटी के साथ क्या हो गई, देखने गला भी खराब हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि लाइट बंद करके ना एसी है बंद, अब गर्मी सच्ची बात ये है, नहीं करो ताकि कमरे में जहाँ पे एसी है, इस कमरे में एसी नहीं है, अभी एसी बैकअप पे नहीं है, देखें टमाटर इसमें डाल के हमने इसके अच्छे से बनाई कर ली है। अब हम इसमें डाल देंगे दही, तो ये मैंने एक कप के करीब दही लिया है, ये दही चला जाएगा इसमें, इसे पास करके दिखाएं ताकि इसकी खूबसूरती कैमरे के कैमरे से बाहर जा सके। और इसकी भी अब हम फ्राई कर लेंगे जब तक ये दही इसमें ड्राई नहीं हो जाता, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्या गैस और क्या रोटी नहीं बोटी और स्पाइसी जो आप इसके टेस्ट कर सकते हैं, मैंने अपने मुताबिक डाले, आप लोग अपने मुताबिक और अपने मुताबिक के साथ साथ गोश्त के मुताबिक भी इसमें ऐड करिएगा कि कोई चीज ज्यादा ना हो जाए, कम हो जाए तो मसला नहीं है, ज्यादा हो जाए तो बहुत बड़ा मसला है कि अब मसला ये गर्मी बड़ी स्पीड से बढ़ रही है, चूल्हा पे और सब कुछ बंद है तो खाना जल्दी से बनना चाहिए। ओके ये देखें कितने प्यारे इसमें बबल्स बन रहे हैं, इससे पहले तो मेकअप पिघल के अंदर चले जाए और लोग मैंने मेकअप लगाया ही नहीं और ये देखिए जी हमारा जो चूल्हा है ना वो काफी अच्छा है, इसमें दही डालते हैं, इसकी तकरीबन काफी बनाई हो चुकी है, इसका ऑयल जो है वो दही से अलग हो चुका है, इसका मसाला, इसकी ग्रेवी बिल्कुल इतनी खूबसूरत लग रही है। मैं भी चूल्हा थोड़ा अलग हो जाऊं, गर्मी बड़ी चूल्हे के पास, ठीक है आप साइड पे हो जाए, आपको कौन सी मजबूरी है? मजबूरी तो मेरी है कि मैंने खाना बनाना, मजबूरी तो औरतों की होती है कि उन्होंने किचन में काम करना, और मेरा ख्याल है बहुत सारी औरतें इस बात से एग्री भी करेंगी, बंदे तो आराम से बाहर बैठे हो कि लाइट चलेगी हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं कि हम जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप पूरा साल अपने खावन को अच्छा खाना खिलाएंगे ना, एक दिन अच्छा खाना नहीं बनेगा तो वो ये कहेंगे कि जी खाना तो अच्छा बनता ही नहीं, तुम पता ही क्या करते हो, जल्दी किया जाए क्योंकि बहुत थोड़ी ज्यादा लग रही है आपका स्टाइल दिखा दिया जाए। और मियाँ इधर जो है ना ये शर्ट के ऊपर चौंकड़े मार के बैठ गए हैं, अब रोटी वैसे कोई नहीं, और ये कढ़ाई आप देखते हैं कि कैसे कढ़ाई, फिर मैं कढ़ाई कहती हूँ अफगान गोश्त दही, कंफ्यूज हो रही हूँ मैं अभी, मेरा दिल कर रहा है कि वो स्टैंड आप करके इधर दिखाएं, पर इसकी खूबसूरती फिर से दिखाऊं, उसमें फोम लगा देना इसके अंदर, नहीं नहीं थोड़ा दूर रखें, और ये देखें कैसे इसका जो ऑयल है इसकी ग्रेवी से अलग हो चुका है,
माशाल्लाह हमारा जो गोश्त है वो बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार हो रहा है, और देखें इसमें बबल्स भी भर रहे हैं, मतलब इसमें मैदा मसाला वो अच्छे से पक चुका है अगर आप देखें तो। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे, ओके अब फिर से बारी आ गई कुछ ऐड कर देंगे। चलें जी कैमरा ऑन कर लिया जाए, ये मियाँ जी इधर बैठे हैं, इन्हें कुछ नहीं, मैं थोड़ा चूल्हे से दूर आ गया हूँ क्योंकि गर्मी बड़ी स्पीड से आ रही है, तो जितना दूर बैठो फिर गर्मी कम है। ओके मैं तब तक गोश्त में ये जो क्रीम है ये ऐड करूंगी। खिड़की ना खोल दोबारा की, यहाँ खोलें खिड़की और क्या बुरा एरिया। चलें जी अब हम इसमें ये डाल देंगे क्रीम, क्रीम भी मेरे पास तकरीबन एक कप की क्रीम है। क्रीम है कि दही है? नहीं क्रीम है, देखिए क्रीम कितनी खूबसूरत है, छोटा स्पैचुलास। नहीं ये अब ये है तो आइसक्रीम के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि इससे जो अदरक लहसुन है ना वो बड़े खूबसूरत तरीके से इसमें मैं ऐड कर सकूंगी। अब इससे क्रीम डालने के बाद बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे, बस तकरीबन एक से दो मिनट ही इसकी फ्राई करेंगे और फिर बस हम डन कर देंगे। अगर आप अच्छी कुकिंग करते हैं, कुछ भी पकाते हैं, चाहे पकौड़े चाहे खाना जो भी आप अच्छा पकाते हैं, व्हाटएवर डिश यू मेक गुड, आप उसकी जो है ना हमें एक वीडियो भेजें अपनी कुकिंग स्टाइल में, और वो और अच्छी लगेगी तो राबिया जो है अपने कुकिंग सेगमेंट में ऐड करेगी आपकी वीडियो के साथ कि ये फलाह जगह से कैसे बना रहे हैं, और अगर उसको लोगों ने पसंद किया तो हम आपको लाइव लेंगे कुकिंग सेगमेंट पर, कुकिंग सेगमेंट लाइव लेंगे तो आपको आप भी फिर पार्ट करें टेस्ट ड्राई फूड हो सकेंगे इस तरह। अब हो रही है गर्मी तो आई गेस जो कोई लाइव सुन रहा है यू नो तो अगर आपके पास कुकिंग स्किल है कोई आपको जो कोई लाइव सुन रहा है और जो कोई देख रहा है इसको, अगर आपके पास कोई कुकिंग लाइव स्किल है अच्छी तो अपनी एक वीडियो बना के भेजें कुकिंग में, डजंट हैव टू बी वेरी गुड वीडियो, नॉर्मल से वीडियो फोन से बना कर तो आप हमें भेजें वो, और हम उसको जो है रबिया जो उसको अपनी कुकिंग सेगमेंट में यूज़ करेगी कि ये इस तरह बना रहे हैं, आपको इंट्रोडक्शन देगी उसके अंदर और फिर आपको लाइव भी लेगी वीडियो चैट पर ताकि आप लोग उस पर डिस्कस कर सकें। तो लुकिंग फॉर फॉर दैट, तो आप जहाँ कहीं दुनिया में हैं जो कुछ भी अच्छा बनाते हैं उसकी जरूर हमें क्लिप भेजें। जी जी अब पारी आगे से सर्व करने, लेकिन भेजें कैसे कैसे क्वेश्चन है भेजने को देगा ये जी कैसे भेजें, आपका सवाल आ गया कैसे भेजें, तो आई गेस आप हमें लिंक भेजेंगे वी शेयर का, राइट वी शेयर होता है वी ट्रांसफर आप वी ट्रांसफर एक ऐप है उसमें आप अपलोड कर देंगे और उसका आप हमें लिंक भेज देंगे इंस्टाग्राम पर आमिर खान वर्जीनिया पर, आमिर खान वर्जीनिया मेरा इंस्टाग्राम आईडी है या फेसबुक आईडी है आमिर खान वर्जीनिया, उस पर या टेस्ट ड्राइव फूड पर आप उसको जो है वी ट्रांसफर का लिंक भेज देंगे वीडियो अपलोड करके, तो हम वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे अपने कुकिंग सेगमेंट में आपसे ऐड करेंगे इंशाल्लाह। तो वी ट्रांसफर इज द ऐप आप डाउनलोड कर लें और उस पर जो आप करके अपलोड कर सकेंगे वीडियो, राइट ओके। और मुझे इसमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, हल्का सा नमक इसमें और ऐड कर लेंगे। गर्मी वाकई बहुत है, अब है गर्मी जी हो जाएगा बंद बढ़ना पड़ेगा क्रीज हो एड्रेस फोन पड़ेगी क्योंकि हीट चूल्हे की भी अंदर आ रही है और कमरा जो है अच्छी ज़्यादा गर्म है। और मुझे लगता है कि हम दोनों इसी तरह पतले होंगे क्योंकि अब कितना मुंह बंद करें आपको खैर से आगे ईद भी आ गई और बकरे भी हमने खरीद लिए। सॉरी आप लोग मैसेज में बाद में तसल्ली से डन होने के बाद
और तसल्ली से स्कूल से बैठ के देखेंगे। चलें जी, ये देखिए हमारी अफगानी गोश्त है, ये रेडी हो चुका है। ये देखिए इसका मसाला ग्रेवी ऑयल से लग हो चुका है और ये 100% कुक हो चुका है हमारा गोश्त। इसमें बिल्कुल भी कच्चा या सख्त नहीं है, बड़ा इसमें ज़बरदस्त लग रहा है। चलिए अब अपने फ्लेम को हम कर लेंगे बंद और इसे हम कर लेंगे डिश आउट, से कर लेंगे गार्निश। चलें जब हम इसे डिश आउट करते हैं तो इसी तरह हम चीज़ों को करेंगे साइड। और नहीं 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 नहीं, इसमें हमने ये थोड़ी सॉरी ये कसूरी मेथी डालनी थी, ये कसूरी मेथी चली जाएगी इसमें। ये देखिए कसूरी मेथी डालने के बाद फिर इसमें चम्मच ला लेंगे। बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे और एक्साइटेड है मेरे इस रेसिपी को देखने के लिए, वो बड़ा इंतजार कर रहे हैं कि आप प्लीज ये रेसिपी अपलोड कर दें, क्योंकि हमने बकरा ईद पे बनानी है। बकर जरूरी नहीं कि ये बकरा ईद पे ही बने, जैसे आप बाद में भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुझे फरमाइश आई तो मैंने सोचा कि मैं बना दूँ, लेकिन बहुत ज़बरदस्त वीडियो नहीं बनी। जैसे भी बनी आप गुजारा तो करना पड़ेगा। रेसिपी तो रेसिपी, चाहे वो बोल के बता दी जाए, चाहे वो उल्टे सीधे कैमरे से दिखा दी जाए। ओह माय गॉडनेस, ओके जी, अब इसे आप क्लोज करें और इसकी खूबसूरती आपने जूम करके दिखानी है। अब हम इसे सेट कर लेंगे और हमारा जो अफगानी अफगानी गोश्त है अल्हम्दुलिल्लाह वो रेडी है। रेडी टू ईट है और अब बस जो है ना इस किचन से निकला जाए। भी यहाँ पर है गर्मी और गर्मी का अंदाजा जो है ना, अब इससे अगर आप पास करके दिखाएं तो उसे हम कर लेंगे गार्निश। इसके ऊपर हम डाल देंगे खीरे। अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है? और ये देखें, ये मैंने जो रेड और येलो बेल पेपर काट के रखी थी इसे भी हम डेकोर करेंगे। कैसा आइडिया लगा आपने? आइडिया तो ठीक है। और नहीं, क्या ज्यादा ही हो रहा है, इस तरह करेंगे। और साथ इसमें हम डालेंगे थोड़े से टमाटर। और इसके ऊपर क्रीम भी हम डालेंगे। क्रीम आप मेरे पास जो ना और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा पुदीना भी डाल देंगे। देखें कि कैसे खूबसूरत सा लग रहा है, थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाल देंगे। हल्का सा जिंजर भी डाल देंगे क्योंकि मुझे जिंजर जो है बहुत अच्छा लगता है, तो चलो हम यहाँ साइड रख देते हैं। ये जी हमारी जो फाइनल डिश है, ये देखें अफगान गोश्त जो रेडी हो चुका है। आप लोग उसे ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी तो खैर आपने देख ली, कोई ऐसा पार्ट आप लोगों ने मिस नहीं किया, क्योंकि मिस वही किया जहाँ मैंने प्रेशर लगाया था, वहाँ बहुत शोर होने वाला था। तो अब मैं मियाँ जी को टेस्ट करवा दूँगी, असल जो है ना ये यही बताएंगे और फिर हम इसका लेंगे थंबनेल। नहीं, मैं हल्का सा आपको उसका ये टेस्ट करवा रही हूँ। बिस्मिल्लाह, अब आप लोग देखिए ध्यान से। इट्स गुड, बट अच्छा टेस्ट तो अच्छा वाकई डिफरेंट चीज है। काफी डिफरेंट। माशाल्लाह, बहुत बहुत ही जबरदस्त।
अब मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से क्या करूँ, ये आप लोग बनाएंगे फिर मुझे बताएंगे। और गर्मी से जो हूँ ना वो भी बड़ा पसीना आ रहा है। अब इसी के साथ आप लोग हमें दें इजाजत। अगर आप लोग इसकी रेसिपी शुरू से देखना चाहते हैं तो मैं पहले भी इस लाइव से पहले जो लाइव है उसमें आके मैंने शुरू किया था, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि मैंने ये कैसे बनाया है। और इंशाल्लाह कल हम इसकी जो रेसिपी है वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करेंगे, तो उसे देखना मत भूलिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। और आई होप कि आप लोग की जो ईद की तैयारियाँ बड़ी अच्छी जोरों शोर से चल रही होंगी। इसी के साथ हमें दें इजाजत। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अभी कैमरा जो ना आगे पीछे घूमता रहेगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।